सोचकर अपने बच्चों के जीवन को दुख भरा न बनाएं कि आपको उनसे वो चीजें हासिल करवानी हैं जो आपने हासिल नहीं की। आप कोई बॉस नहीं है, आप उनके मालिक नहीं है। आपके बच्चे को एक दोस्त चाहिए जो उन तक पहुंचे, जो उनके साथ खेले। पिछले 25 सालों में माता पिता होने के पूरे तरीके में काफी बदलाव आया है। शायद जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे ऊपर तो नहीं मगर आम तौर पर ही उस पीढ़ी के ऊपर माता पिता का प्रभाव 60-70% था और लगभग 30% प्रभाव स्कूल और बाहर का होता था, क्योंकि आप अपने स्कूल और कुछ पारिवारिक दोस्तों के अलावा शायद ही किसी से मिलते थे, बस इतना ही था। Was not exposed like that, except for what you read and what you may see somewhere in a movie theater. There was no any video running anywhere. All right. सिवाय इसके कि आप क्या पढ़ते हैं, आप कहीं किसी फिल्म थिएटर में क्या देखते हैं, तब कहीं भी कोई वीडियो नहीं चल रहा था। ठीक है, ये एक नई चीज है, लेकिन ये संबंध अब उल्टा हो गया है। आज आपका प्रभाव बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा 25-30% है। वे हर जगह के सभी तरह के प्राणियों से प्रभावित हो रहे हैं। वो किस तरह के हैं, उनका उद्देश्य क्या है, आपको नहीं पता। स्कूल के शिक्षकों का शायद ही कोई प्रभाव है। जीते जागते दोस्त का और पड़ोसियों का प्रभाव भी मुश्किल से ही है। कोई कहीं और से उन पर भारी प्रभाव रखता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए अगर आप, क्योंकि दुनिया के सभी लोगों में से एक माँ होने के नाते हम मानते हैं कि आपके दिल में अपने बच्चे के लिए सर्वोत्तम हित है, तो जब ऐसा है तो आपका प्रभाव सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जिस पल आप सोचेंगे कि मैं माता पिता हूं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि माता पिता एक कठोर बॉस की तरह होते हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता। अगर आपका बच्चा कुछ बताना चाहता है तो वो जाकर अपने दोस्तों को बताएगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्त समझदार हैं, माता पिता थोड़े, आपको पता है वे कुछ भी नहीं समझते हैं, वो किसी दूसरी दुनिया से हैं। ऐसा मत कीजिए, आपके बच्चे को एक दोस्त की जरूरत है, एक बॉस की नहीं। हेलो, उन्हें कोई बॉस नहीं चाहिए, उन्हें एक दोस्त चाहिए, कोई ऐसा जो उन तक पहुंचे, जो उनके साथ खेले, जो जीवन के लिए बिल्कुल उनके जैसा ही उत्साही हो। ओ, मैं एक माता पिता हूँ। ज्यादातर माता पिता इसे ऐसा लेकर चल रहे हैं जैसे कि वो कोई भारी बोझ उठा रहे हों। मेरे बच्चे ये हो जाएगा, उनका करियर जाने क्या होगा। लगभग 32-33 साल पहले जब मैं चेन्नई में मेरे पहले प्रोग्रामों में से एक इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करवा रहा था, तब एक आदमी सुबह सुबह की क्लास में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। एग्जाम शुरू होने वाले हैं और वो लड़की अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही। वो बहुत चिंतित था कि उसके भविष्य का क्या होगा और सब कुछ। मैंने इस आदमी को देखा, वो काफी यंग लग रहा था। उसकी बेटी की उम्र कितनी होगी? मैंने उससे पूछा, आपकी बेटी की उम्र क्या है? उसने कहा, 4 साल। मैंने कहा, अरे मूर्ख इंसान, तुम बच्चे के लायक ही नहीं हो। 4 साल की लड़की, आप उसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वो अपना होमवर्क नहीं कर रही है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है, वो गणित ठीक से नहीं सीख रही है, उसके सिर्फ 98 आ रहे हैं, बाकी 2% गायब हैं। मैं कह रहा हूं ये बकवास है। ऐसा सोचकर अपने बच्चों के भविष्य को दुख भरा न बनाएं कि आपको उनसे वो चीजें हासिल करवानी हैं जो आपने हासिल नहीं की। बच्चे इसके लिए नहीं हैं, वो आपके माध्यम से आते हैं, वे आपसे नहीं आते। ये सौभाग्य है कि आपके माध्यम से एक और जीवन का जन्म हुआ। इस सौभाग्य का हमेशा आदर करें और देखें कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। आप कोई बॉस नहीं हैं, आप उनके मालिक नहीं हैं। ये एक बड़ा सौभाग्य है कि आपको दूसरा जीवन इसकी शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। इसे साकार करने के लिए सबसे बेहतर पालन पोषण करें। सबसे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं कि आपके बच्चे ये कभी ना देखें कि गुस्सा क्या होता है, निराशा क्या है, डर क्या है, ईर्ष्या क्या है, एक दूसरे से झगड़ा क्या है। ये चीजें उन्हें कभी ना दिखें, वो आनंद और प्रेम के माहौल में बड़े हों, यही काफी है। आपको उन्हें कोई बेकार का ज्ञान सिखाने की जरूरत नहीं है, वे अच्छे से बड़े होंगे, क्योंकि यही वो पोषण है जो खुद को ढालने के लिए जीवन को जरूरी होता है।